दोस्तों कैसे हैं। अभी ये मार्केट ओपन है, रनिंग है और आज 12 तारीख है। और यस बैंक ने देखिए क्या अच्छी स्ट्रॉन्गनेस, 180 पे क्या सपोर्ट है, इसको 180 तोड़ना नहीं चाहता है। ऑलरेडी ये आपको सपोर्ट दे चुका है। और कल जो है इसका बोर्ड ऑफ मीटिंग है, इनको अपना जो भी है कौन नए CEO होंगे, डायरेक्टर MD चेयरमैन होंगे, वो कल डिक्लेरेशन आने वाला है। और साथ में नए अभी आपको उर्जित पटेल जी रिजाइन RBI के गवर्नर कर दिए हैं, तो हो सकता है कि ये भी संभावना हो कि इनको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब जो भी होगा अब अच्छा होगा एटलीस्ट यस बैंक में। और आज देखेंगे तो अभी कितनी वॉल्यूम के साथ, देखिए 60 लाख वॉल्यूम के साथ, मैं कहते हैं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, 60 करोड़ वॉल्यूम के साथ हो रहा है। 5 करोड़, सॉरी सॉरी, ये 5 करोड़, 6 करोड़, 5 से 6 करोड़ की वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हो रही है। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम है, बहुत ही अच्छा पोजीशन दिख रहा है। और अगर मैं आपको डेरिवेटिव में यस बैंक में लेके जाऊं तो आप देखेंगे सारे कॉल पोजीशन में, देखिए क्या 180 के कॉल में, देखिए जो कल आपको यहाँ पे 10-12 रुपये मिल रहा था, 4 रुपये का गेन के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है 13 रुपये का, 17 रुपये पे। अभी भी को चाहें तो 200 में जो 8 रुपये पे पोजिशन बन रही है, या अगर देखें तो अब यहाँ से जो पोजिशन शिफ्ट होकर बन रही है वो 210 के आसपास बन रही है, जो कि 5 रुपये में बन रहा है। तो अभी भी कोई 210 की और पोजीशन बना सकते हैं डेरिवेटिव में। और अब जो सपोर्ट देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर एडिशन कहाँ हो रहा है, पुट की ओर, तो 180 पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 170 पे। तो अभी रिसेंट शॉर्ट टर्म में ये कोई 170 180 तो अब ये नहीं तोड़ने वाला है, ऐसा दिखता नहीं है। और मैं इससे भी अच्छा चीज़ पोजिशन आपको एक चीज़ बताना चाहता था, जो जिसके लिए मैं तुरंत सोचा कि इसको ऑनलाइन वीडियो लेके आना चाहिए। ये देखिए MACD लाइन ये क्रॉस कर रहा है, क्या सॉलिड क्रॉस है, क्रॉसिंग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी क्रॉसिंग है। और यहाँ पे ये आप देखिए MACD लाइन यहाँ पे अब ये वापस यहाँ पे फॉर्मेशन चालू कर दिया है बुलिशनेस का। और एक चीज बताता हूँ मुझे कहीं ना कहीं ये जो आप देखेंगे हेड एंड सोल्जर पैटर्न का ना ये ब्रेकआउट लग रहा है, हो सकता है ये हेड एंड सोल्जर का, अगर मैं इसको ये पैटर्न मानूँ यहाँ पे, ये W का पैटर्न मानूँ ना, तो अगर ये किसी भी रीजन से 206-207 ये लाइन को क्रॉस करता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, ये वाली लाइन को, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे तो 207-208 आता है। और इनफैक्ट ये आपका देखेंगे तो मूविंग एवरेज इसका अगर निकालते हैं तो एक मिनट जस्ट, ये अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही आपको दिखेगा, ये 201 मिनट जस्ट, तो ये देखिए ये जो है आपका 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही, देखिए ये भी क्रॉस कर रहा है। तो अगर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ये इसका ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये किसी भी तरह से यहाँ पे इसके जो अभी अभी जो 58 डेज का आ रहा है वो 210 रुपये आ रहा है, और ये जो ट्रेंड बता रहा है यहाँ पे बता रहा है, ये भी बता रहा है 206 रुपये, तो 210 अगर टूटता है, जो कि मुझे आशा है कि ये टूटेगा, और हो सकता है कि आपको ये टूटने के बाद एक बार अच्छा खासा आपको यहाँ पे 288 रुपया भी दिखा दे, और 288 किसी कारण से टूटता है तो आपको 320-321 का भी लेवल दिख सकता है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। और ये मुझे जो दिख रहा है कि हेड एंड सोल्जर का ये ब्रेकआउट आने वाला है, अगर ये 210 क्रॉस करता है और ये ब्रेकआउट अगर आता है, जो कि इस लेवल के बाद ही होगा ब्रेकआउट आना है, तो इस लेवल एटलीस्ट आपको 232 के आसपास अगर क्रॉस करते हैं तो बहुत ही अच्छा, 210 तो है ही एक लेवल जहाँ पे आप कर सकते हैं, बट इसकी जो इसके टॉप लेवल को होता है ना 253 के लेवल को क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ से फिर 325 का लेवल सीधा दिखेगा। इसलिए मुझे अब लग रहा है कि ये क्रॉस करेगा, 288 भी जाएगा, और 288 के बाद आपको वहाँ से 322-325 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हेड एंड सोल्जर का आप ये पैटर्न देखेंगे तो ये ब्रेकआउट पैटर्न लग रहा है, बन जाएगा यहाँ से, अगर बना MACD देखिए क्या सॉलिड, अब देखिए आप खुद ही देखिए कैसे क्रॉस करके MACD निकल रहा है, तो हर जगह से ये पॉजिटिव लग रहा है। कल इसकी मीटिंग भी है, तो यस बैंक में आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पोजिशन बना सकते हैं। किसी को बाइंग करना है तो 200 जो 185 चल रहा है, तो आप 185 की बाइंग का, 190 की बाइंग 11 रुपये पे मिल रहा है, या 195 190 की बाइंग कीजिए, जो सबसे ज़्यादा बाइंग चल रहा है आज के एडिशन हो रहा है 190 पे, तो 11 लाख 80 7 लाख 84 हज़ार का एडिशन हुआ है, तो
तो 190 की बाइंग कर सकते हैं कोई भी। 1180 रुपये का भाव है इसका, अभी चल रहा है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी पोजीशन ये पेपर ट्रेडिंग के लिए एजुकेशन के लिए बनाना हो तो आप ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से, फाइनेंशियली अगर बनाना है तो आप जा करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी में इसको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए और एजुकेशन पर्पज़ से है। अगर किसी को भी पोजीशन बनानी हो मार्केट में तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाएं। ये अच्छा पोजीशन लग रहा है, मैंने अपना पोजीशन तो बनाया हुआ है इसमें, आपको भी लगता है तो आपको पोजीशन बनाना चाहिए। तो मैंने तो 160 पे इसको बाई किया हुआ है, बहुत छोटी क्वांटिटी बाई किया हुआ है। आपको चाहे तो आप भी इसको बाई कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 325 का रेट भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 3 महीना में 325 दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, और आपको कल ही एक सरप्राइज भी हो सकता है देखने को मिलेगा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी देखेंगे तो एक अच्छा पोजीशन दिखा रहा है। आप किसी रेंज से भी देखेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज में भी ये प्लस पॉइंट करके दिखा रहा है, तो ये एक बाइंग पोजीशन बनती है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और फिर पोजीशन बनाएं, कोई बात नहीं, वो ओपन नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे अब ये सिंपल बुक वैल्यू कितने का मिल रहा है, 1.62 के बुक वैल्यू से मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 12-14% आ रहा दिख रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चाहें तो पोजीशन इसमें बना सकते हैं। बस इतना ही सा अपडेट करने के लिए आपके लिए बनाया। यस बैंक में एक बहुत ही अच्छा तेजी की संभावना दिखती है अपने यहाँ से। देखने के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।